नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं ककड़ी की। ककड़ी, तो ककड़ी में सबसे पहले अभी उसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक है नाम, तो इसका वानस्पतिक नाम है अभी कुकमिस है, कुकमिस मिलो वैरायटी यूटी लिसीमस, लिसीमस वैरायटी, वैरायटी यूटी लिसीमस है, इसका क्या है वनस्पति के नाम है मेरे साथियों। तो इसमें कुकमिस मिलो वैरायटी यूटी लिसीमस के नाम से ये जानी जाती है। फुल है भी कुकर बीटेसी, कुल क्या है भी कुकर है बीटेसी, उत्पत्ति है भी ककड़ी की भारत, उत्पत्ति कहां है भी ककड़ी की भारत है भी, और इसमें गुण सूत्र 2N, गुण सूत्र वो है भी 22, ककड़ी के गुण सूत्र क्या है भी 22 पाए जाती है भी, और उसकी उत्पत्ति भारत मानी जाती है, और इसकी कुल है कुकर बीटेसी है, और उसका जो वनस्पति नाम है वो है भी कुकमिस मिलो यूटी लिसी मस के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है भी यह प्रागण, इसमें प्रागण क्या है भी ये पर प्रागण फसल है भी, पर प्रागण फसल है भी, जलवायु, जलवायु ये क्या है भी गर्म जलवायु की, गर्म है जलवायु की क्या है भी क्रॉप है भी, जो उपयुक्त तापमान है वो 40 डिग्री से अधिक चाहिए भी, उपयुक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसके लिए क्या भी अच्छा माना जाता है भी, ककड़ी का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है माना जाता है भी। उसके बाद आता है भी इसमें बीज दर, बीज दर वो है इसमें 2 kg प्रति हेक्टेयर, क्या है इसमें 2 kg प्रति हेक्टेयर क्या बीज दर रखा जाता है। उसके बाद आता है भी दूरी, भी ककड़ी के लिए क्या है दूरी कितनी रखी जाती है, तो ककड़ी की जो दूरी है वो है भी 2.5 meters, तो क्या है भी लाइन से लाइन की दूरी, जबकि 0.5 meters है भी प्लांट से प्लांट की दूरी रखी जाती है भी। इसको जो बीज की जो गहराई है वो रखी जाती है भी लगभग 3 to 5 centimeters के बीज की डेप्थ रखी जाती है भी, बीज की गहराई रखी जाती है भी। उसके बाद आता है इसमें बिजाई का समय, बिजाई का समय, बिजाई का समय, तो इसको भी क्या है अपने 3 बार लगा सकते हैं, पहला नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ये अगेती, उसके बाद फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, और उसके बाद जून जुलाई, क्या है जून जुलाई के अंदर अपने इसको लगा सकती है भी 3 बार इसमें। उसके बाद आते हैं इसमें किस्में, तो एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं, कुकमिस मिलो यूटी लिसीमस के नाम से जानी जाती है, सॉरी जून जुलाई में ककड़ी नहीं होती भी, जून जुलाई में ककड़ी नहीं होती भी, तो कुकमिस मिलो वैरायटी यूटी यूटी लिसीमस लिसी मस कुल है भी कुकर बेटेसी, उत्पत्ति है भारत, 2N गुण सूत्र 22 होते हैं, और परपरागित फसल है, गर्म जलवायु जो उपयुक्त तापमान है वो 40 डिग्री से अधिक चाहिए,
और बीज दर है भी 2 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर रखा जाता है भी। दूरी है जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 2.5 मीटर, जबकि प्लांट से प्लांट की दूरी है वो 0.5 मीटर रखी जाती है भी। जो बीज की गहराई है वो 3 से 5 सेंटीमीटर क्या है रखी जाती है। बिजाई का समय है नवंबर से दिसंबर में अगेती लगा सकते हैं, जबकि फरवरी मार्च के अंदर क्या मुख्य फसल लगाई जाती है भी। फरवरी मार्च के अंदर क्या मुख्य फसल है लगाई जाती है। उसके बाद आती है इसमें किसमें, किसमें, तो इसकी किसमें, किसमें, किसमें में पहला है भी लखनऊ अगेती, लखनऊ अगेती, लखनऊ अगेती, अर्का शीतल, अर्का शीतल, इसकी फेमस वैरायटी है भी अर्का शीतल, जो म्यूटेंट वैरायटी है भी, क्या है ये के म्यूटेंट वैरायटी है अर्का शीतल, लखनऊ अर्का शीतल दोनों वैरायटी क्या है इसकी फेमस वैरायटी है भी। लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग ग्रीन के नाम से भी एक वैरायटी है जो लंबे फल की होती है भी। लॉन्ग व्हाइट, लॉन्ग व्हाइट, ये व्हाइट कलर की होती है भी, लंबे इसके क्या है फल है पाए जाते हैं भी। उसके बाद आता है भी फैजाबाद, फैजाबाद डार्क ग्रीन, ये भी क्या है इसकी फेमस है वैरायटी भी, फैजाबाद डार्क ग्रीन। और आई आई एच आर फोर की वैरायटी के नाम से भी क्या है इसकी फेमस वैरायटियां है भी। उसके बाद आते हैं भी इसकी एक बार रिपीट कर देता हूं, लखनऊ अगेती, अर्का शीतल, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट, फैजाबाद डार्क ग्रीन और आई आई एच आर फोर। तो ये थी भी इसकी क्या है वैरायटियां, फेमस वैरायटियां। अब इसमें एक रहता है भी उपज, जो ककड़ी की उपज है वो लगभग आपके 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है भी। 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है भी क्या है ककड़ी की उपज। तो ये थी भी अपने ककड़ी, ककड़ी की जो ज्यादातर वैरायटियों के बारे में पूछा जाता है, सीड रेट है वो पूछा जा सकता है, इसकी जो दूरी है वो पूछी जा सकती है। तो ककड़ी के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी मैंने आप तक है पहुंचाई है भी। तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करना, साथ में कमेंट करके बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए कृषि से संबंधित बढ़िया सी वीडियो अपलोड करता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना मेरे साथियों।